राजस्थान में अशोक गहलोत शुरू से ये कहते आ रहे हैं कि उनकी सरकार को गिराने के लिए बीजेपी ही साजिश कर रही है। एक ऑडियो टेप जारी कर गहलोत गुट ने अपने आरोपों को सच साबित करने की भी कोशिश की, लेकिन इस ऑडियो में किसकी आवाज है इसका पता लगाने के लिए 8 सदस्यीय समिति का गठन किया जा चुका है। तमाम सियासी उठापटक के बीच मामला अब राजस्थान हाईकोर्ट तक जा पहुंचा है। उधर गहलोत गुट अब भी अपने बहुमत वाली बात पर अडिग है। उनके विधायक राजेंद्र गुढ़ा तो डंके की चोट पर कह रहे हैं कि गहलोत के पास बहुमत है। वो खुला चैलेंज कर रहे हैं कि अगर बीजेपी को कोई शको शुबा हो तो विधानसभा में फ्लोर टेस्ट करवा ले। अंदर बैठे हैं ना, मैं 100 से ऊपर ही बैठे हैं अभी अंदर, और बहुमत वाली बात नहीं होती तब तक ये पता नहीं ये फ्लोर टेस्ट की मांग ही करने लग जाते। इनको पता हमारे साथ बहुमत है, इसलिए ये बहुमत की मांग नहीं कर रहे। जब से राजस्थान का पॉलिटिकल ड्रामा शुरू हुआ है, बीजेपी तमाशबीन की भूमिका में है। शुरू में तो बीजेपी के कई दिग्गजों ने अशोक गहलोत को अपना बहुमत साबित करने की चुनौती दे डाली, लेकिन अब पार्टी के कई नेता एक सुर में कह रहे हैं कि फिलहाल वो फ्लोर टेस्ट की मांग नहीं करने वाले। वो तो इस मामले पर अभी नजर बनाए हुए हैं और सही मौके पर ही सही फैसला करेंगे। फ्लोर टेस्ट तक की भी बातें सामने आ गई तो बीजेपी का क्या रहेगा? क्या फ्लोर टेस्ट की आप लोग भी बात करेंगे ऐसी परिस्थिति में जो सामसामयिक घटना? इसलिए मुझे लगता है कि पहले तो प्राथमिकता ये कांग्रेस की सरकार को चले जाना ही चाहिए, और यही राजस्थान की जनता के हक में है। इसलिए पहली बात तो ये सरकार जाए, ये हमारी कोशिश रहेगी। तो ऐसे में बीजेपी क्यों नहीं डिमांड करती कि सरकार जो है फ्लोर टेस्ट करे? संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा है, देखते जाइए, जल्दी आपके सामने वो सारी स्थिति भी आएगी। आप वेट एंड वॉच की स्थिति में है? मतलब वेट एंड वॉच नहीं, अभी तो केवल वॉच कर रहे हैं। हमारे पर आरोप लगाने वालों को हमने पहले दिन से कहा कि आप अगर डूबोगे तो अपने घर के ही झगड़ों से डूबोगे, हमारे कारण से नहीं डूबने वाले हो, और आज उसका परिणाम आया। लेकिन एक बात जो मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को भी और राज्यपाल जी से भी निवेदन करना चाहता हूँ, ये सरकार आज की तारीख में अल्पमत सरकार है। राजस्थान में जारी सियासी संकट के बीच एसओजी ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को भी नोटिस भेजा है ताकि उनका बयान दर्ज किया जा सके। गजेंद्र सिंह शेखावत खुद पर लगे आरोपों को शुरू से ही नकारते आए हैं। वो कहते हैं कि ऑडियो में उनकी आवाज नहीं है और वो किसी भी जांच के लिए तैयार हैं। सियासी संकट के इस मामले में कई नए नए मोड़ आने लगे हैं। हाईकोर्ट में पायलट गुट के विधायकों की याचिका पर सुनवाई चल रही है, तो उधर टेप कांड को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी राजस्थान के मुख्य सचिव से रिपोर्ट तलब कर ली है। यानी एक ओर अपनी ही सरकार के पायलट से बैर और दूसरी ओर विरोधियों के वार। गहलोत सरकार की मुश्किलें पहले ही कम नहीं थी, केंद्र ने इसमें दखल देकर जादूगर की फिक्र को और बढ़ा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।